हमने 50,000 चेयर्स लगाई थी अंदर, 8 एकड़ का ग्राउंड था, सब आपने देखा फुल थी, कोई सीट खाली नहीं थी। इसके अलावा 10-15 हज़ार आदमी अंदर थे, बाहर जो थी इतनी भीड़ बाहर थी, मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार भीड़ बाहर थी, वो जगह ही नहीं थे, इस करके लोग बाहर। मैंने भी कोशिश करी कि अंदर आ जाएं, जब CM उतरे और नड्डा साहब आए जब पार्टी अध्यक्ष, तो मेरे से कहने लगे जल सा अंदर है कि बाहर है, मैं कहने लगा जी अंदर है, कहते तो ये क्या है, तो ये भी अंदर आ जाएंगे आप चलो, मतलब ऐसा सब वो बोल के कह गए। बहुत बढ़िया, मैं तो लोगों का धन्यवाद करता हूँ सर से जिले के लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत उम्मीद से भी ज्यादा भी। 200 करोड़ से ज्यादा CM साहब ने घोषणा, हाँ 215 करोड़, 165 करोड़ की हमारी डिमांड थी, वो प्लस 50 करोड़ रुपया उन्होंने पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी को 10-10 करोड़ रुपया लोकल डेवलपमेंट के लिए जो ऑफिसर्स लोग कहेंगे रिकमेंड करके देंगे वो करेंगे। क्या कुछ मांगे आपने रखे? मैंने बहुत चीजें मांगी जी, रानिया के लिए वाटर बक्स, रानिया के लिए पूरा शिविर सिस्टम जो रह गया बाकी एरिया में वो करने का, या रानी खारिया गांव में जहाँ सभा थी स्टेडियम कह गए कि गांव का ऐसा स्टेडियम होगा जो अब तक किसी गांव में नहीं है, ऐसी बढ़िया मंडी बनाएंगे, और उसके बाद सब जगह गाँव नहरें जितनी हैं वो पक्की करेंगे, जो दिन हमने रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल से कुछ जो मांगी थी मैंने घग्गर से वो सारी सेंक्शन करके सारे आउटलेट्स हैं उन्हें पक्का करने का काम करके, जितने स्कूल हैं उनकी अपग्रेडेशन, जो गांव में जितने वाटर बक्स बनने थे सब सेंक्शन करके, मैं समझता हूं जी बहुत खुले मन से 225 करोड़ रुपया खाली रानी हल्के को देंगे। मंच के माध्यम से कहा गया कि हम BJP के नेता चौधरी रंजीत सिंह के साथ हैं, चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ हैं, क्या मतलब समझा जाए इसका? देखिए कोलिशन गवर्नमेंट है, आदमी मन से साथ होता है, मन से ही है, कोई टेक्निकली जब कोई पोजिशन आएगी तब सोचने की बात, आज तो 5 साल मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी जितना भरोसा विश्वास दोनों ने पार्टी अध्यक्ष के नाते, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं, बनने के बाद पहला उनका विजिट हो, वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं एक गाँव में मेरे लिए आए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ सम्मान नहीं हो सकता। और उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि मैंने सुना था रणजीत सिंह के लिए कि अच्छा सुना था, मिलने पे मेरी 3 महीने की मुलाकात है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया मिले, और अब बोले भाई अब हम संबंधी भी हो गए, अब चिंता नहीं करो अब मैं संभालूंगा इनको, अब इससे ज़्यादा मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कह भी नहीं सकता। तो निकट भविष्य में भाजपा के साथ जाएंगे? CM साहब को भी ये कह के कि मैं 1 साल बाद फिर आ रहा हूँ, मैं अध्यक्ष के नाते आपसे कह के जा रहा हूँ कि ये काम देखूंगा आपने अनाउंस कर दिया वो हो गए कि नहीं, इससे ज़्यादा मुझे सिक्योरिटी क्या मिलेगी। निकट भविष्य में भाजपा के साथ जाएंगे? निकट भविष्य में भाजपा के साथ जाएंगे? मैं भाजपा के साथ आज हूँ, मेरी पार्टी अलग है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपसे बता के करेंगे, हर काम तो मीडिया को बुला के ही करा जाता है ना। सर साहब अगर बात करें तो जो घग्गर का पानी था या कालुआना मम्बड़ केरवाला इन गाँव को देने की एक नहर निकालने की बात थी, तो अब जो CM साहब घोषणा करके गए हैं तो क्या उनमें वो परियोजना भी है? कई योजनाएं हैं जी जो हमने लिख के डिमांड में दी, जो मांग पत्र में थी वो सारी की सारी उन्होंने क्लियर कर दी, मुझे कहने के देने की जरूरत ही नहीं, हाथ दबा के कहने का सब कर दूंगा, क्यों बोलने में टाइम लगा रहे हो, क्यों मेरे से करवा रहे हो, जितनी है सब कर दूंगा। और ये कह जाना कि जिसको सिलेंडर मिले मिले, नहीं मिले तो इनकी कोठी से उठा लेना, मुझे पता है इनको ऑफिसरों को अड़काना आता है, काम लेना आता है, मतलब एक से एक ज़्यादा एट्रीब्यूट करके मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ।